हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, वेयर डू दे लिव। आई लिव इन अ डेन। घोसले में, नेस्ट में, नेस्ट में घोसला। और
यानी मैं एक दूसरे में
Use the correct word to complete the sentences. Monkey, Baro, Stable, Bird, Phone, Cow, Pine, Camel. A nymph in a nest. A bird lives in a nest. A bird lives in a nest. A chidiya. A ghostly bear at the head. A dog lives in a kennel. A kutta. Kutte ke lete. ऐसा है और गाय कहाँ रहती है एक एक गाय एक गौशाला में रहती है या एक शेड में रहती है और लिव्स इन अ टेंट अ गाय लिव्स इन अ टेंट एक शेड एक फार्म में रहता है एक माल में रहता है A snake lives in a hole. A bill mein rehta hai. A horse lives in a stable. A lives in a tree. A monkey lives in a tree. A monkey lives in a tree. A banda पेड़ पर रहता है रैबिट लिव्स इन अ बारो बारो यानी खरगोश का रहने की जगह को इंग्लिश में बारो बोलते हैं Next.
फोर नंबर थर्ड अरेंज अरेंज दिस लेटर लेटर्स टू राइट राइट द नेम्स ऑफ एनिमल and O.
this letter to write the names of animal. इन letters को arrange करके लिखना है या जमा कर लिखना है. जैसे ये है अभी E and S T, इसका कोई अर्थ नहीं करना है. अब इसको हम लिखेंगे N E S T, nest. Nest में इसको होता E L H O, H O L E, hole. Stable, S T A B L E, stable. B E N, then. Then it is a tree, yani ped. K E K E L नेस्ट होल्स स्टेबल देन ट्री कैनल शेड. नेस्ट यानी घोंसला, होल यानी छेद या बिल, स्टेबल यानी घोड़े के रहने की जगह को इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं. देन यानी गुफा या बाग, ट्री यानी पेड़ वृक्ष, कैनल यानी कुत्ते के रहने की जगह, शेड यानी गौशाला या छाया. Thank you, children.